शरीफ लोगों को डरा धमका कर रंगदारी की मांग जंगलराज का प्रतीक बन गया था। नीतीश बाबू के लंबे शासन काल में लोग रंगदारों से जान छुड़ा चुके थे, लेकिन अब फिर से रंगदारों का हौसला बढ़ गया है। कटिहार के डॉक्टर वकार रज्जा से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। नगर थाने के बिनोदपुर मोहल्ला निवासी डॉक्टर वकार को फोन कर पहले डराया धमकाया गया और फिर उनसे 6 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। डॉक्टर ने सबूत के तौर पर रंगदारी मांगने का ऑडियो भी पुलिस को सौंप दिया है। हेलो जी, बोलिए। डॉक्टर वकार साहब बोल रहे हैं। जी 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 जी। कौन काहे ने उठा? आप है कौन भाई? है कौन आप? फोन कर रहे हो, फोन काहे ने उठा रहे हो? है कौन? वो कल फोन गया था। बिल्कुल गया था। हो कौन ये बताओ ना। कोई भी हो, तुमको नाम जानना है। हाँ बिल्कुल नाम जानना है। कहाँ से बोल रहे हो? पूर्णिया से। पूर्णिया से क्या चाहते हैं? 6 पेटी चाहिए। हाँ 6 पेटी। 6 पेटी क्यों चाहिए? कमा के दियो मुझे। रंगदारी चाहिए। कमा के दियो। रंगदारी का मतलब क्या होता है? रंगदारी चाहिए। हाँ रंगदारी का मतलब क्या था? रंगदारी का मतलब जानते हो? एक बार बताओ। हाँ तुमको हाँ या ना एक बार? नहीं नहीं, तुम रंगदारी का मतलब जानते हो? रंगदारी किसे कहते हैं? रंगदारी मालूम है? हाँ बोलो ना। हाँ क्या हुआ? कल बोले थे ना पैसा के लिए। क्या बोले थे? कौन सा? कमा के दियो मुझे। ठीक है पता चल जाएगा। हाँ, नहीं कमा के दिए हो तुम। वहीं डॉक्टर वकार रज्जा ने बताया कि 2 दिनों से फोन पर उनसे रंगदारी मांगी जा रही है। उन्होंने बताया कि बार बार फोन करके रंगदार धमका कर 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। रज़ा ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। डॉक्टर वकार रज़ा, मुझे 2 दिन पहले तकरीबन 2 तारीख को और 3 तारीख को अननोन नंबर से फ़ोन आया, जो नंबर मैं मेंशन करवाया हूँ थाने में। मुझे रंगदारी एक्सट्रॉशन के सिलसिले से कि 6 लाख रुपये आप दीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो जाएगा, आपके घर में लोगों को मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की मुझे 2 दिन से धमकी दी जा रही है। दो तारीख को भी दिया गया, 3 तारीख को भी मुझे इस किस्म की धमकी आई। इस सिलसिले से मैंने थाने में SP साहब, DM साहब से भी मैंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया हूँ, गुजारिश की हूँ, और देखिए ये मामला कब तक हल होता है। और क्या लगता है सर, कोई स्पेशल दुश्मनी रहा होगा कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो मैं तकरीबन कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अब तक ऐसा कोई मामला मेरे साथ हुआ नहीं है। ना किसी के साथ कोई तकलीफ है मेरी, ना किसी के साथ कोई किसी किस्म का झगड़ा झमेला है। अननोन नंबर, ये जो नंबर आ रहे हैं, इस नंबर से मुझे फोन आया और फोन आने के बाद काफी परेशानी बढ़ गई। वही कटिहार के DSP अमरकांत झा ने बताया कि डॉक्टर वकार ने कुछ दिन पहले एक जमीन खरीदा था, लेकिन उन्होंने दलालों के बजाय सीधे मालिक से जमीन खरीदी। इससे सागर राय नाम का दलाल डॉक्टर से नाराज हो गया। DSP ने कहा कि सागर राय ही डॉक्टर वकार को डरा धमका कर रंगदारी मांग रहा है। उन्होंने बताया कि बदमाशों के धरपकड़ के लिए उसके घर पर छापेमारी भी की गई। DSP ने बताया कि पुलिस जल्द ही रंगदारी मांगने वाले सागर राय को गिरफ्तार कर लेगी। कटिहार टाउन में ही बकार अंसारी एक डॉक्टर है, उनके द्वारा कल प्रवेदित किया गया है, जो उनको मोबाइल नंबर पर उनसे 6 लाख रुपये की मांग की गई या नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई, संबंध में कांड दर्ज किया गया है और उनके द्वारा एक सागर राय को नामजद किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि सागर राय या एक जमीन लिए थे, तो उसमें सागर राय जो ब्रोकर था उसका कहना था मेरे माध्यम से लीजिए, जो इसने नहीं ली उनका कहना था जब मकान मालिक से ही लेंगे, जिसके कारण सागर राय के द्वारा ही धमकी दिया गया जब ठीक है 6 लाख रुपया हमको दीजिए। इस संबंध में उसके यहाँ छापेमारी की गई और फरार है, हम लोग हर बिंदु पर देख रहे हैं और उसमें सागर राय को भी और जिस मोबाइल नंबर से उनको धमकी आया है उसको भी गिरफ्तार। क्या लगता है पूरा जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है? हाँ यह मैटर लग रहा है कि चूंकि ब्रोकर था सागर राय, ब्रोकर था और यह जमीन जो है सीधे मालिक से लिए, तो चूंकि ब्रोकरिंग में उसको बेनिफिट नहीं हुआ जिसके चलते उसने उसको धमकी दिया। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है, छापेमारी किया गया, वो फरार है। डॉक्टर वकार रज्जा को धमका कर रंगदारी वसूल करने का ख्वाब संजोने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही पुलिस को पीड़ित डॉक्टर वकार रज्जा के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, ताकि वो बिना डरे लोगों की सेवा कर सके। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।